तो जोरों पर है इन्वेस्टर समिट की तैयारी। सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, कल कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर यह कार्यक्रम होना है। सीएम धामी जो है वो कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो शामिल होंगे। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है और उसको लेकर तैयारी, तो दिल्ली दौरे पर वो आज पहुंचे हुए हैं और कल इन्वेस्टर समिट में कर्टन रीजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी जोरों पर है, किसी तरह की कमी ना रह जाए इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी। और सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, कल कर्टन रीजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। और वही राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग करने वाली 17 संस्थाओं को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग है, जिससे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के संकल्प को आसानी से सफल किया जा सकता है। बता दें कि यूएनटीपी ने देश के विकास के लिए जो मानक निर्धारित किए हैं उनमें से उत्तराखंड ने 17 को 2030 तक पूरी करने का संकल्प लिया ठाना है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियां का भी गठन किया गया है। ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए, वैसे हमारी संस्थाएं बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले तो आज क्षेत्रों में अनेकों नवाचार किए हैं और दरपस्त भी हम लोग यहाँ पर मिले थे और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष से हम काफी आगे निकले हैं और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं इनको आज और जो व्यक्ति हैं उन सभी को जिनको सम्मानित किया गया है उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कहीं यहाँ आप सबके अंदर मैं समझता हूँ कि जहाँ एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा वहीं आप सबकी ऊर्जा से हम सब लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसमें इसकी शुरुआत की थी और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण पर काम कर रहे हैं और लगातार 5 सालों में हमने जो काम किया, हमारी जो भागीरथी फाउंडेशन की टीम थी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है एचडीजी गोलकीपर अवार्ड। सर धन्यवाद सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सीपीजीजी का और यूएनडीपी का कि हमें सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरा नाम डॉक्टर जूही गर्ग है और मैं संस्थापिका हूँ, सीईओ हूँ डायवन प्रो की। डायवन प्रो महिलाओं के लिए काम करता है, हम ऑल वेमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उस पर काम करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे। और SDG 5 अवार्ड हमें दिया गया है जो आने वाले वर्षों में, जैसा कि UNDP के ऑफिसर ने बताया कि आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा और उस पर कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, उनका सहयोग करना बहुत बड़ा सरकार का भी मुद्दा रहेगा। उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और इस कड़ी में सीएम धामी पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने के लिए विदेशों का टूर करेंगे, जिसके तहत अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में मुख्यमंत्री लंदन जाएंगे, जहां बड़े निवेशकों को लुभाने के लिए रोड शो भी होंगे। कर्टन रेजर का कार्यक्रम है, उसके एक एक क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर
बड़ा है निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं जहाँ ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। आगामी लोग